नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूं मणिपाल हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे कि सिरोसिस के पेशेंट में कैसे किडनी डैमेज हो जाता है या रीनल फेलियर या किडनी फेलियर में चले जाते हैं ये पेशेंट। जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है किडनी डैमेज का। क्यों? क्योंकि सिरोसिस के कारण जो ब्लड का सर्कुलेशन है या ब्लड का बहाव है शरीर के अंदर वो बदल जाता है, वो ऑल्टर्ड हो जाता है, जिसके कारण किडनी को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होती है। इसके अलावा सिरोसिस के जो मरीज होते हैं उसमें बहुत सारे मरीज डायबिटीज या हाइपरटेंशन होता है, जिसके कारण भी किडनी जो है वो डैमेज हो रहा होता है। तो बहुत बार ऐसा मिलता है कि लीवर भी डैमेज हो रहा है और किडनी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये एक सिचुएशन है जो सिरोसिस के मरीज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलता है। जब किडनी डैमेज डेवलप होता है सिरोसिस के मरीज में तो ये एक बहुत खतरनाक लक्षण होता है, इसके बहुत सारे सीरियस इम्प्लीकेशन होते हैं। तो जितने भी सिरोसिस के मरीज हैं उनमें से करीब 25-40% पेशेंट को कभी ना कभी AKI या हेपेटोरीनल सिंड्रोम डेवलप होगा, जो कि किडनी फेलियर या किडनी इंजरी का साइंटिफिक टर्म है, अक्यूट किडनी इंजरी। इसका मतलब AKI या हेपेटोरीनल सिंड्रोम, जिसको कहते हैं HRS। 25-40% पेशेंट को, सिरोसिस के पेशेंट को अक्यूट किडनी इंजरी या AKI HRS डेवलप हो सकता है। और ऐसे जो मरीज़ हैं जिनको AKI या HRS डेवलप होता है सिरोसिस के मरीज में, उनमें से 40% एक महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। और कहा जाता है कि 65% या 65% से ज़्यादा मरीज़ एक साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है या खतरनाक लक्षण है जो किसी भी सिरोसिस के पेशेंट में डेवलप कर सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का एक ही तरीका है, जो सिरोसिस के मरीज हैं उनको कहा जाता है कि हर 3 से 6 महीने पे आप फॉलोअप करें और अपने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और कुछ और टेस्ट हैं जो आप रेगुलरली कराते रहें। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक मौका होता है कि हम इस AKI या HRS या किडनी डैमेज को थोड़ा जल्दी पकड़ पाए और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाए। जो किडनी इंजरी का मार्कर होता है वो सीरम क्रिएटिनिन होता है, और सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल लेवल ब्लड में होता है वो 1 mg/dL से कम होना चाहिए, या अगर ये अपने प्रीवियस या अपने पिछले वैल्यू से 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहते हैं कि अक्यूट किडनी इंजरी या हेपेटोरीनल सिंड्रोम डेवलप हो रहा है या किडनी को डैमेज हो रहा है। 1 mg/dL से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है क्रिएटिनिन की, या आपके पिछले टेस्ट से अगर उसमें 50% ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसका मतलब किडनी में डैमेज हो रहा है। उसके अलावा जो आपका यूरिन आउटपुट है या 24 घंटे में जो पेशाब आ रहा है आपको, अगर वो कम आता है तो इसका मतलब किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है। बहुत बार कहते हैं कि अगर 24 घंटे में 1 लीटर से ज़्यादा यूरिन आता है मरीज को तो वो ठीक रहता है, क्योंकि सिरोसिस के मरीज हैं उनको यूरिन आउटपुट यूजली कम रहता है। लेकिन अगर 1 लीटर से भी कम हो रहा है तो ये एक लक्षण है कि AKI या HRS डेवलप हो रहा होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बुखार आ रहा है या खून की उल्टी हो रही है या लैट्रिन में खून आ रहा है, तो ऐसे जो लक्षण होते हैं इसके कारण भी AKI HRS या किडनी डैमेज ज़्यादा हो सकता है। बहुत बार मरीजों को कोई लक्षण नहीं होता है एक्सेप्ट कि उनको थोड़ी कमज़ोरी ज़्यादा लग रही होती है, थोड़ी शरीर ज़्यादा भारी भारी लग रहा होता है। तो बहुत बार ऐसे ही लक्षण होते हैं जिसके बेसिस पे हमें AKI या HRS को पकड़ना होता है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जो रिक्वायर्ड टेस्ट है वो सब कराने चाहिए। बहुत बार जो ये किडनी इंजरी है या AKI HRS है, ये आपको एक दवाई दी जाती है जिसको डायूरेटिक कहते हैं या वाटर पिल कहते हैं, जो आपके जो पेट का पानी है उसको किडनी के जरिए बाहर निकालता है शरीर से। इसको डायूरेटिक पिल दिया जाता है मोस्टली काफ़ी मरीजों को जो सिरोसिस के मरीज होते हैं। बहुत बार ये जो दवाई है ये ही किडनी को डैमेज कर रही होती है। तो जो पहली सलाह होती है डॉक्टरों की कि ऐसी अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो किडनी को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको मोटापा है, डायबिटीज़ है, अगर आप NASH नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के मरीज हैं, तो ऐसा होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में इसके अलावा भी डायरेक्टली किडनी इंजरी भी हो रही होती है। इसका मतलब
सिरोसिस से कोई लेना देना नहीं है किडनी इंजरी का, लेकिन डायबिटीज जो है वो लिवर को भी डैमेज कर रहा है और वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर रहा है। तो ये जो अंडरलाइंग कॉज है बहुत बार यही किडनी को डैमेज कर रहा होता है। उसके अलावा अगर आप हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज हैं या आप शराब का सेवन करते हैं, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है इंडिपेंडेंटली या अपने आप ही किडनी को अलग से डैमेज कर रहे होते हैं। इसका मतलब, जैसा कि हमने कहा, ये माना जाता है कि लीवर के कारण किडनी डैमेज हो रहा है, लेकिन बहुत बार अगर ये कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या शराब या अल्कोहल, ये सब डायरेक्टली आपकी किडनी को भी डैमेज करने का पोटेंशियल रखता है, तो इन सब का ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ता है। AKI, HRS या किडनी डैमेज से बचने का एक ही रास्ता है कि आप रेगुलरली अपने टेस्ट कराते रहें, और कभी भी अगर लगे कि लीवर की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है या किडनी पर डैमेज हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे फर्दर सलाह या कैसे मैनेज करना है इसको, इसकी जानकारी पाएं। तो जो डॉक्टर है वो आइडियली आपको भर्ती करना चाहेंगे हॉस्पिटल में, और उसके अलावा ट्रीटमेंट जो होता है कि फ्लूड, आईवी फ्लूड चला जाए, एल्ब्यूमिन चढ़ाया जाए जो कि किडनी डैमेज को कम करता है। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन का सोर्स लग रहा है कि जैसे पेट के पानी में इन्फेक्शन या लूज मोशन या छाती में इन्फेक्शन, इस सब को अलग से ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि इसके कारण भी किडनी डैमेज हो सकता है। मान लो अगर आपको खून की उल्टी हुई है, काली लैट्रिन आई है, तो इसका मतलब हो सकता है कहीं अंदर अंदरूनी कहीं ब्लीडिंग हुई है, जिसको या तो दवाइयों से कंट्रोल करना पड़ेगा या एंडोस्कोपी करके कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो किडनी का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जो डैमेज हो रहा है किडनी को उससे बचाता है और उसे इम्प्रूव करता है। आखिरी में कि अगर आपको AKI या HRS डेवलप हो रहा है, तो जो मृत्यु की आशंका होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने कहा, 65% लोग 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस डेटा को मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्टर्स होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि ये जो लिवर है ये आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। और जो शरीर में अगर 5-6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, अगर इनमें से इन 5-6 ऑर्गन्स में 2 ऑर्गन आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेंजर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। इसके अलावा बहुत बार ये होता है कि अगर किडनी इंजरी ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर ट्रांसप्लांट मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किडनी भी काफ़ी तरह से डैमेज हो गया है और लिवर भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो जो सर्जरी का रिस्क है या ट्रांसप्लांट का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर सिचुएशन ऐसी हो कि किडनी फेलियर भी है और लिवर फेलियर भी है, तो डॉक्टर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक ही साथ लिवर और किडनी भी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रांसप्लांट कराएंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी सलाह हो सकती है डॉक्टर की। उसके अलावा अगर आप किसी वेटिंग लिस्ट पे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट पे हैं, तो अगर किडनी इंजरी होती है तो आपको प्रायोरिटी मिल सकता है वेटिंग लिस्ट पे, कि आपको जल्दी ऑर्गन की ज़रूरत है, तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे एडवांटेज मिल सकता है कि आपका किडनी डैमेज हो रहा है और आपको जल्द से जल्द लिवर की ज़रूरत है। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा अगर आप रेगुलरली टेस्ट कराते रहें और अगर आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली सलाह लेते रहें और उनके फॉलोअप में रहें, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा जल्दी पता चल सकती है और हम AKI और HRS से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली टैकल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, या ज़्यादा जल्दी इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनको फ़ायदा हो। थैंक यू।